ईएम वेव में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। मैक्सवेल की चार इक्वेशंस हमने की हुई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपेगेशन 90 डिग्री पे होती है, ये हमने प्रॉपर्टी की हुई है। हमने ये किया हुआ है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और पीछे अगर जे कैप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग जे कैप। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखना है के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कभी कभी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होती है, कभी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पर मैंने एक ही याद की हुई है, ये वाली इक्वेशन सफिशियंट है के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आप ये याद रख लें। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट के का फॉर्मूला नोट करें, वेव के अंदर के का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई वी, नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा बाई वी या के को बोलते हैं 2π/λ। तो के का मतलब क्या है? ओमेगा बाई वी, और के का मतलब है 2π/λ। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट करें। सी का फॉर्मूला सबको आता है, ई नॉट बाई बी नॉट या ई बाई बी, सी का ये फॉर्मूला भी सबको आता है। और अगर मीडियम चेंज हो गया तो ये फॉर्मूला भी सबको आता है। एनर्जी डेंसिटीज के रिजल्ट हमने ऑलरेडी कर लिए, ये सारा पोर्शन हमने कर लिया, मोमेंटम हमने कर लिया, रेडिएंट प्रेशर हमने कर लिया।